We are back on lecture number 2 out of 4 lectures on lens. Lecture number 2 of 4 lectures. Isme aaj hum image formation because of different lenses jo ek concave aur ek convex hai us pe study kare. Maan lijiye ye koi lens aur ek lens. Ye le aa rahe hain yahan pe ye ऐसे जा रही है और दूसरी केस में ऐसे तो ये कौन सा लेंस वे क्या हो रही है वे कन्वर्ज कर रही है कन्वर्ज तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया कन्वर्ज कॉन्वेक्स इसमें वे एक दूसरे को छोड़ के ऐसे जा रही है जो डाइवर्जिंग है डाइवर्जिंग is concave lens. अब ये जब रे जाएंगी तो ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी और ये रे कहीं मिल नहीं रही है लेकिन अगर अगर हम यहां से देखेंगे तो हमें लगेगा दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट तो दोनों केसेस डिफरेंट कन्वर्जिंग में द रेज मीट एट अ पॉइंट They are meeting at a point और diverging lens में they appear to diverge from this point. Appear to diverge. मतलब अगर हम यहां से देखेंगे तो हमें लगेगा कि ये diverge कर रही है कहां से यहां से क्योंकि हम आंखों से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा ये अरे यहां से आ रही है ये appear करती है यहां पे appear to diverge From a point, from let's say from this point, and this they meet at that point, meet या converge at that point. दोनों चीजों को आप समझ लीजिए क्योंकि इसी के ऊपर हमारा image formation है और इसी पे हमारा dependent है कौन सी image कैसी होती है तो दो टाइप की images होती है हमारे एक होती है real और एक होती है virtual. Real image जो होती है वो image है जो एक्चुअली इंटरसेक्शन मीटिंग ऑफ रेज से बनती है रेज जब कन्वर्ज करके किसी पॉइंट पे मिलती हैं, तो रियल इमेज बनती है रियल इमेज रेज मीट एट अ पॉइंट जैसे कन्वर्जिंग लेंस में रेज अगर यहां मीट कर रही हैं, तो यहां पे रियल इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज होती है जब रेस डू नॉट मीट बट अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट तो मान लीजिए ये आपका डाइवर्जिंग लेंस है ये रे आ रही हैं ऐसे जा रही हैं डाइवर्ज कर रही हैं दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट तो यहां पे वर्चुअल इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज के लिए रेस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट They do not meet or they do not come from a point. यहां पे they meet at a point. Appear to diverge. दूसरी चीज ये है यहां पे अगर हम एक स्क्रीन लगा दें या कागज रख दें तो हमारी इमेज बन जाएगी दिखाई देगी इसमें कोई कागज पे अगर यहां पे हम रखेंगे तो कोई इमेज नहीं दिखाई देगी तो इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन और इसमें नो इमेज इमेज नहीं बनेगी नो इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन नो इमेज ऑन स्क्रीन दो डिफरेंसेस हो गए एक तो एक्चुअल इंटरसेक्शन या कन्वर्जिंग ऑफ रेज जहां पे मिलेंगी वहां पे रियल इमेज मिलेगी जहां पे से अपीयर कर रही है डाइवर्ज करते हुए वहां पे अपीयर जहां वर्ड आ गया वहां आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी और इमेज रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन
तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अब रियल इमेज जो बनेगी उल्टी बनेगी. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो वर्चुअल इमेज भी ऐसे नहीं. तो जब भी इमेज इन्वर्टेड है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के केस को कंपेयर करते हुए अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे बनी हुई है तो ये रियल इमेज होगी. ओके, ये सामना. जरूरी है. अब हम देखते हैं कैसे रे डायग्राम बनेगा. ये डिफरेंसेस तीन याद रख लीजिए. लेट्स स्टार्ट ऑन फॉर्मेशन. सबसे पहले एक हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं. अब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक हमने परपेंडिकुलर लाइन बना ली, इसको हमने कह दिया ये एक्सिस ऑफ द लेंस है. लेंस अगर ऐसे है तो उसके बीच की जो स्ट्रेट लाइन है उसको एक्सिस. इस पे हम सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस पे काम करेंगे. तो कॉन्वेक्स लेंस हमने ये बना, ये उतनी अच्छी फिगर नहीं लेकिन आप समझ. अब ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया. जब भी इमेज लेंस बनानी है तो हमें F1 और F2, F2 किधर होता है, इस साइड होता है. F1 इतने ही इक्वल डिस्टेंस पे हमने यहां ले लिया F1. एक और चीज हमें नोट करनी होगी, 2F1 जितना ये है उतने पे हमने यहां दिया 2F1 और इतना ही हमने 2F2 ले लिया यहां पे 2F1. अब हम देखें तीन रेस हमें देखनी. सबसे पहले हमें मालूम है एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस 2 या F2. जब भी हम फोकस की बात करेंगे तो प्रिंसिपल फोकस 2 इस केस में पैरेलल वे में करेंगे. तो हमारे पास एक इमेज फॉर्मेशन के लिए रे है, हमने ऐसे यहां पे पास की और यहां से फिर हमने इसके थ्रू पास किया, राइट. सेकेंड चीज हमें मालूम है, तो एक चीज तो हमें ये मालूम है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू F2 कॉन्वेक्स लेंस. नंबर टू, रे थ्रू F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन इज पैरेलल. तो दूसरी रे हम बना सकते हैं. एक रे हमने यहां से ली और ये रिफ्रैक्शन के बाद ये दूसरी. तीसरी रे एक और आसान चीज है, वो ये है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जो भी रे जाएगी तो उस रे को अनडेविटिव चली जाएगी. तो हमारी तीसरी रे ये है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू यहां गई, इस जगह कहीं बनेगी. ये पॉइंट यहां आ गया, बेस को हम यही मान लेते हैं. तो तीन रेस हैं जिन पे हम काम करते हैं. एक रे है आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस टू F2, रे थ्रू F1 आफ्टर रिफ्रैक्शन पर इस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तीसरी चीज ये है अवे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएटेड. ये तीन रेज हमारी काम कर रही हैं इन द केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस. अब इसी को अगर हम कॉन्केव लेंस में काम करेंगे तो यही तीन चीजें, लेकिन अब आपको फर्क थोड़ा सा होगा. यहां पे अपीयर टू होता है ना कि एक्चुअल पासिंग थ्रू, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है. तो अब हम कॉनकेव लेंस पे अगर काम करेंगे तो कॉनकेव लेंस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है. ये एक लाइन खींची हमने, यहां पे
F कौन सा होगा, F1 इधर होता है और कॉन्केव में F2 इधर होता है, 2F2 इधर रख लिया ट्वाइस और 2F1, ये मेरे ऑप्टिकल एक्सिस है, एक्सिस ऑफ लेंस है, यहां पे मैंने लेंस बनाया। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा इस जगह, थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्योंकि वही चीज है, अरे पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहां तक लाइए। After refraction appears to come from F2, ये डेविएट करेगी तो appear कहां से करेगी, आती हो यहां से, appears to come from F2। दूसरी चीज है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई भी रे पास करेगी तो अनडेविएटेड पास करेगी, नो ये दोनों रे क्या है, ये डाइवर्जिंग है कन्वर्जिंग है, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था रेस मिल रही है, यहां पे रेस नहीं मिल रही, बट क्या है, दे अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, अगर आप यहां से देखेंगे इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड करेंगे तो यहां तो हमारी इमेज जो बनेगी ये यहां बनेगी, ये वर्टिकल है, पहले वाले एग्जाम्पल में ये इन्वर्टेड थी, इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल, वर्टिकल इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। तीसरी रे भी हम कर सकते थे, एनी रे एम एट दिस F1, तो F1 पे जो एम करेंगे हम A आफ्टर रिफ्लेक्शन रिलीफ है, तो तीनों रेज को आप बनाएंगे तो आपको अपनी इमेज फॉर्म होगी। अब हम कॉन्वेक्स लेंस पे डिटेल स्टडी कर लें और तीन चार केसेस हैं जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सबसे पहला केस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा लेंस की एक्सिस है और ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है इन्फिनिटी पे है तो जो भी चीज आएगी वो पैरेलल आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मान लीजिए एक रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये दूसरी रे आ रही है तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये F2 है, ये 2F2 है, सेकंड फोकस 2 फोकस 1 ट्वाइस फोकस 1, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस टू, ये यहां से क्रॉस करेगी और ये रे भी यहां से क्रॉस करेगी। क्या हुआ, ये रे कहां मिल रही है, ये इस जगह मिल रही तो यहां पे इमेज फॉर्म, तो क्या हुआ, ये बहुत बड़ी इमेज ऑब्जेक्ट था लेकिन इमेज क्या हुई, वेरी स्मॉल। तो जब भी ऑब्जेक्ट है ये इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां फॉर्म होगी, एट F2 होगी। क्या किस टाइप की इमेज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश टू अ पॉइंट, डिमिनिश टू अ पॉइंट मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल छोटी हो जाएगी। हम लोगों ने बचपन में कागज में आग लगाई है, एक लेंस लगा के मैग्नीफाइंग लेंस को लगाया और कागज में आग लग गई, तो क्या होता था, मैग्नीफाइंग लेंस जब हम रखते थे सूरज की किरण आती थी और वो कंसंट्रेट होके इस फोकस पे मिलती थी, यहां पे हमने कागज रखा तो ऑल द हीट एनर्जी गॉट कंसंट्रेटेड एट अ पॉइंट, क्या था ये फोकल लेंथ थी F2 और ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। सेकंड केस देखते हैं, मिटा देना के थोड़ी सी प्रिंसिपल एक्सिस ना मिटे हमारा, बाकी हम लोग देखें
सेकेंड केस हमने देखा, ये रहा लेंस की एक्सिस, ये लेंस रहा। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पेड़ जो 20 फीट 30 फीट दूर है, तो वहां से उसकी टिप से जो भी रे आ रही है तो वो आपके लेंस पे पैरेलल आएंगी, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं पैरेलल आएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस पे तभी पैरेलल आती जब इन्फिनिटी पे, जैसे सूरज है चांद है इस टाइप से, तो दो रेज आई आपकी, ये समझ लीजिए एक रे प्रिंसिपल एक्सिस इससे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई गई है, यहां से कन्वर्ज करेगी, ये यहां जाएगी, ये कन्वर्ज करके यहां, तो प्रिंसिपल फोकस पे ना बन के इमेज बनेगी आपकी फोकल प्लेन पे, फोकल प्लेन पे इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी और वैनिश। तो इस पे जो है हम ये कहेंगे कि सेकंड केस में ऑब्जेक्ट इज वेरी फार, वेरी फार, इंफिनिटी नहीं है, तो कहां है इमेज एट सेकेंड फोकल लेंथ, सो सेकेंड फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। आप ऐसे प्लेन बना लीजिए एफ टू पे और यहां से लाइए ये, यहां लाइए इसको एफ टू पे कन्वर्ज कर दीजिए, यहां से इसको सीधे ले जाइए। ट्रिक ये है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पैरेलल लाइन लाइए, यहां पे जहां पे रीड कर रही है उसको आप दूसरी वे को लाके वहां पे जोड़ दीजिए। मैं फिर से बता दे रहा हूं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये रे को आप फोकल प्लेन पे ले जाके यहां पे, दूसरी जो भी रे है उसको लाइए यहां से और यहां से फोकल प्लेन पे ले आइए। अगर तीसरी रे यहां पे आ रही थी आपकी तो इसको भी ऐसे फोकल प्लेन पे, तो आपकी इमेज इज अ फोकल प्लेन, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट नहीं है, डिमिनिश्ड छोटी है। तो ये कहां यूज होती है, जो कैमरे हैं आपके कैमरे में यही चीज यूज होती है, कैमरे में यही चीज होती है, कैसे बनती है एट फोकल। ओके, तीसरा चीज, दो चीजें हो गई हमारी, इमेज एट इंफिनिटी हो गई, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हो गया, तीसरा हमने देखा इंफिनिटी पे हमने देख लिया है क्या है अगर हमारे वेरी फार, और तीसरा है ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन टू एफ वन। यस, दिस इज माय ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस, this is my axis of the lens, this is my। अच्छा, जब भी हम रिफ्लेक्शन शो करेंगे तो एक्सिस ऑफ लेंस से शो, एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ वन, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एफ टू, ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन एफ टू एफ वन, 2F1 के इधर। रे हमेशा रे डायग्राम हमेशा लेफ्ट से राइट मारेंगे, तो सबसे पहले तीन रे हैं, हम दो रे पे काम कर रहे हैं, पहले रे ले लीजिए, पहले रे किधर से जाएगी F2 के थ्रू जाएगी, यस मेरी राइट, दूसरी रे हम बना सकते हैं थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ओ यस हियर, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या होता है ग्रेटर देन एफ टू एफ वन पे इमेज इज कहां पे है, इमेज इज बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू, एफ टू और टू एफ टू के बीच में इमेज है, इन्वर्टेड है तो कौन सी होगी, रियल होगी वर्चुअल होगी, यस वेरी राइट, इट इज अ रियल इमेज, डिमिनिश्ड है छोटी है, और रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, तो ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस हम लोग देखते हैं, ओके, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट, ये नोट करते रहिएगा,
मैं शीट बाद में आपको दे दूंगा जिसमें आपका पूरा रहेगा क्या इमेज कहां पे होती है और क्या यूज है। ये भी हम लोग कैमरे में यूज करते हैं, वो अलग कैमरे फिक्स्ड जिसपे स्क्रीन आगे पीछे की जा सकती है। F1 ये जितनी इमेजेस बनेंगी वहां पे अगर हमने कागज रखा या स्क्रीन रखी है सफेद कपड़ा रखा तो वहां पे ये हमारे पास अगेन F2 F2। आपको मैं ट्रिक सिखाना चाहता हूं, आप क्या कीजिए एक स्ट्रेट लाइन नीचे उसमें पहले एक पॉइंट रख लीजिए यहां पे। अब आप जैसे 2 सेंटीमीटर पे इस सेंटर से ये पॉइंट कीजिए, 2 सेंटीमीटर पे ये बनाइए, फिर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पे ये बनाइए और 4 सेंटीमीटर पे बनाइए। तो आपका F1 O से F1 2 सेंटीमीटर हो गया, O से F2 2 सेंटीमीटर हो गया। तो जब आप ड्राइंग बनाएंगे और स्केल से प्रॉपर बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा क्या हो रहा है। ओके, 2F1 पे है तो पैरेलल रही, सबसे पहले पैरेलल पास करेगी F2 से, फिर दूसरी चीज हमने यहां से की तो कहां बनी। जब भी ऐसा होगा अगर आप प्रॉपर स्केल पे बनाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे है तो इमेज 2F2 पे, इमेज इज एट 2F2। इन्वर्टेड है तो रियल होगी ही होगी और इक्वल इन साइज होगी, इक्वल इन साइज। ये कहां पे एक अरेंजमेंट यूज होता है ये मैं बता दे रहा हूं, याद कर लीजिए समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में यूज होता है, ये आपकी बुक में भी दे रखता है कि कहां पे यूज होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हम दो इमेज दो लाइन पे ही काम कर रहे हैं, पैरेलल पासिंग थ्रू F2, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज अनडेविएटेड, गोज अनडेविएटेड। लेट्स लुक एट द थर्ड अनदर थिंग विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अगर ऑप्टिकल एक मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, आप अपने पेन और पेंसिल से बनाइए तो अपना एक पॉइंट यहां ले लीजिए, एक लाइन खींच दीजिए वर्टिकल, ये हमारी लेंस की एक्सिस है। हमने 3 सेंटीमीटर पे F1 ले लिया, 3 सेंटीमीटर और लेके F2 ले लिया, 3 सेंटीमीटर लेके F1 ले लिया, 3 सेंटीमीटर पे F2 लिया और फिर 3 सेंटीमीटर पे F1। अब ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F2 एंड F1, लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज हियर। तब क्या होगा, तब ये होगा कि हमारा ये आई पैरेलल यहां से ऐसे जाएगी और दूसरी चीज है ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई। यो तो जब सॉरी जब ऑब्जेक्ट आपका 2F1 और F1 के बीच में है तो आपकी इमेज बनेगी ग्रेटर देन 2F2 पे, एनलार्ज होगी, एनलार्ज होगी। तीसरी चीज क्या होगी, एनलार्ज होने के साथ साथ ये जो है आपकी इन्वर्टेड होगी और रियल। कहां यूज होता है, आपका स्लाइड प्रोजेक्ट, स्लाइड छोटी होती है दीवार पे आपने किया तो आप इस कॉम्प्लेक्स लेंस को इस तरह से यूज। जब हम लोगों ने बचपन में देखी होंगी स्लाइड्स तो ऐसे ही देखते थे, आजकल हम लोग सब चीजें मोबाइल पे देखते हैं तो हम लोगों को ये नहीं समझना। तो 2F1 और F1 के बीच में होगी तो इमेज जो है 2F2 पे बनेगी, बियॉन्ड 2F2 बनेगी, एनलार्ज रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी और रियल रहेगी। अब एफ
वन पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है तब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज एट एफ वन. अगेन फ्री हैंड में कभी कभी आप नहीं अच्छी तरह से बना पाएंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहे हैं तो दिक्कत होगी. ये आपकी लेंस बन गया, ये हमारा एफ टू हो गया, ये एफ टू ट्वाइस हो गया, ये एफ वन हो गया, ये टू टू एफ. अगर यहां पे है तब ओके. ये तो पैरेलल हो गई, तो ये चलती जाएंगी चलती जाएंगी. तो अगर ऑब्जेक्ट इज एट एफ वन, ऑब्जेक्ट अगर एफ वन पे है तो इमेज इज एट इंफिनिटी. इमेज बहुत दूर इंफिनिटी बनेगी एंड द ब्यूटी इज दैट इट विल बी एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड. इन्वर्टेड होगी और रियर. तो अब तीन चीजें देख लीजिए, सब केस में रियल इमेज है, इन्वर्टेड है. इंफिनिटी पे है जब ऑब्जेक्ट तो इमेज एफ टू पे बनेगी, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट है और रियल है. अगर लार्ज नॉट एट इंफिनिटी, लार्ज डिस्टेंस पे है तब इमेज जो बनेगी आपके एफ टू के फोकल प्लेन पे बनेगी और डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड. ग्रेटर देन टू एफ वन पे है तो इमेज बनेगी एफ वन एफ टू और एफ ट्वाइस एफ टू के बीच में, डिमिनिश होगी, छोटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल. ये सब रियल इमेजेस. टू एफ वन पे है तब क्या है? टू एफ टू पे इमेज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगी, इक्वल साइज की. एफ वन टू एफ वन और एफ वन के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज ग्रेटर देन टू एफ टू पे बनेगी, एनलार्ज्ड होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल. और अगर एफ वन पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड. इन सब केसेस में रियल इमेज बन रही है. याद कर लीजिए, लेफ्ट से जैसे से आ रहे हैं इमेज सबसे पहले एफ टू पे बनेगी, उसके बाद अगर और पास आए तो एफ टू के फोकल प्लेन पे बनेगी, और पास आए यहां पे आ गए तो एफ टू और टू एफ टू के बीच में बनेगी, एफ टू एफ वन पे आए तो टू एफ टू पे बनेगी. अब बढ़ती जा रही, यहां पे इक्वल हो गई, इन दोनों के बीच में आए तो यहां पे बनेगी, एनलार्ज बनेगी. एफ वन पे आए तो इंफिनिटी पे बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी. और इसके आगे का भी केस है, वो इंटरेस्टिंग केस है, उस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. ये आपको डायग्राम्स बनाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत जरूरी है. ये वाला केस जो होता है, इसमें द लेंस इज यूज एज कॉलिमीटर इन कॉलिमीटर ऑफ अ स्पेक्ट्रोस्कोप. ये क्या चीज है, इसके लिए परेशान मत होइए. क्वेश्चन अगर आ गया कि कौन सा लेंस कॉलिमीटर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप में यूज किया जाता है, आप बोलिए कॉन्वेक्स लेंस. कौन सा लेंस आपका टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस. कौन सा लेंस आपका कैमरे में यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस. कौन सा लेंस आपका स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स. कौन सा लेंस बर्निंग ग्लास के लिए यूज किया जाता है, बर्निंग ग्लास वही धूप से जलाने के लिए, कॉन्वेक्स लेंस. और अब एक और अरेंजमेंट पे हम जा रहे हैं, वो केस बहुत इंटरेस्टिंग है
और उसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑब्जेक्ट जो है बिटवीन F1 एंड F ऑप्टिकल सेंटर के बीच, इसको O, दो रे अभी भी काम करेंगे हम, पैरेलल पासिंग थ्रू, सेकेंड रे पासिंग थ्रू। ओहो, ये तो डाइवर्ज कर रही है। डाइवर्ज करने का मतलब ये दे विल, अगर हम यहां से देखेंगे तो दे आर नॉट मीटिंग एट अ पॉइंट, दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, और इसने इसको बैकवर्ड आप एक्सटेंड करेंगे तो आपको ये, अरे ये क्या हुआ, ये तो वर्टिकली इमेज बन गई। ये पॉइंट इस पॉइंट से करस्पॉन्ड करता है। ये इस केस में अगर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड O, तब इमेज जो है एनलार्ज बनेगी, एनलार्ज बनेगी। कहां बनेगी? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और एनलार्ज है और कैसी है, ये अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट है, तो ये आपकी वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज हमेशा डायरेक्ट होती है। तो ये कहां पे यूज करते हैं ये केस? ये केस आप मैग्निफाइंग ग्लास में यूज करते हैं। जब आपको कोई चीज को मैग्निफाई करना है तो वही ग्लास जिससे आप बर्निंग करते हैं उसी को लाके आप पास से देखते हैं तो आपको मैग्निफाई देता है। ओके, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रे डायग्राम आप समझ लीजिए। और हम लोग जब एक आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कैसे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लिया, अब हम आते हैं कॉनकेव लेंस में। कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे इमेज कहां बनेगी, किस टाइप की बनेगी, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल आप लोग अपनी कॉपी में स्केल से बनाइएगा, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें बीच में एक पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको हम कहेंगे एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ऑफ द लेंस, और इस पे हमने एक लेंस बना लिया, राइट। एक सर्टेन डिस्टेंस लेके, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर पे आप एक एफ लिखिएगा इधर, और उसके दुगने पे 2F, इस साइड भी सेम डिस्टेंस लेके F और 2F। याद रखिए कॉनकेव मिरर में F2 इस साइड होते हैं और F1 इस साइड होते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे एक आई, ये दूसरी पैरेलल रे आई, यहां पहुंची और रिफ्रैक्ट कर। रूल है कि जब पैरेलल रे आएगी तो कॉनकेव मिरर में वो रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लगेगा जैसे इट इज कमिंग फ्रॉम द सेकंड फोकल पॉइंट। तो रिफ्रैक्ट, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से डॉटेड लाइन से जॉइन करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से डॉटेड लाइन से जॉइन करते हैं और इसको सॉलिड लाइन से एक्सटेंड कर देते हैं। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो हमारी इमेज कहां बनी? यहां पर। तो जब ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज F2 पे है, किस टाइप के, वर्चुअल है, और वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी और हाईली डिमिनिश्ड है। दोनों केस में सेम है, कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी, जब इंफिनिटी पे है तो
एफ टू भी बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स में रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड होती है, हाइड इमेज होती है, कॉन्केव में वर्चुअल होती है, जो इरेक्ट होगी और हाइली डिमिनिश्ड होगी। ओके, नाउ लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल। और किसी भी पॉइंट पे अगर आपका ऑब्जेक्ट है, हम ये मान लेते हैं इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एक वे सर्टेनली हम ये वाली यूज करेंगे, ऐसे गई। दूसरी हमने ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर, तो क्या हो गया, जब ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करेगी तो ये दोनों डाइवर्जिंग हैं, तो हम जब इनको प्रोड्यूस करेंगे बैक तो हमारी इमेज बनेगी यहां टिप और टिप, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल हुई, वर्टिकल है तो वर्चुअल, वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये लाइन क्रॉस नहीं कर रही, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दे अपीयर टू इंसर्ट कम फ्रॉम हियर, इसलिए ये वर्चुअल। किसी इंस्ट्रूमेंट में कहा सर आप इसको जो है हमें दो रे बना रहे, अगर वो तीसरी रे भी बना के दिखा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है। तीसरी रे में क्या है, एनी रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स एफ वन, वो हमारी रे मान लीजिए ये वाली डायरेक्टेड है, आफ्टर रिफ्रैक्शन विल गो पैरेलल, और इसको जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो ये यही मिलेगी। तो ये भी आप समझिए तीन तरीके रे हो। अब और आगे पास मूव करते हैं, अब हम अपने ऑब्जेक्ट को और आगे, ये तो हमारी हाइट सेम लेके चल रहे हैं, तो ये तो हमारा सेम रहेगा। अब ऑब्जेक्ट हम ले आते हैं F1 पे, F2 पे, पहले रे आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम F2, और ये जो है हम एक्सिस के थ्रू पास करेंगे। अब देखिए इमेज की साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन वर्चुअल है और इरेक्ट है। और आगे बढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने यहां पे ले आए, पहले ले तो जैसे जैसे हमारा ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर बढ़ता जाएगा, इमेज जो है F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा साइज में बढ़ती जाएगी, हमेशा लोअर देन द स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट रहेगी। अगर एक केस और ले लिए और पास ले आइए इसे, ऑब्जेक्ट को मैंने यहां पे लिया बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर के जितने पास आना था ये, तो ऑब्जेक्ट जितना पास ऑप्टिकल सेंटर, जब इंफिनिटी पे है तो F2 पे, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ये रे हमारी एक तो है ही और दूसरी रे हमारी ये है, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर के पास आएगा वैसे वैसे इमेज की साइज बढ़ता रहेगा, लेकिन वर्चुअल रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। शॉर्ट लेंस, कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, रियल भी देगा और वर्चुअल भी दे। रियल इमेज उसकी छोटी हो सकती है, इक्वल साइज डिमिनिश्ड हो सकती है, इक्वल साइज की हो सकती है और एनलार्ज हो सकती है, और वर्चुअल इसकी हमेशा एनलार्ज आएगी। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज
एंड लास्ट। ये आपका मूल मंत्र है, बेस डायग्राम बनाना सीख लीजिए और एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक ये पार्ट है और दूसरा पार्ट है। ये एक रे डायग्राम दे दिया गया, इसमें ये ऑब्जेक्ट है और रे ऐसे जा रही है, पहले जाके ऐसे चली जाती है। तो ये कौन सा लेंस है, पहले तो पूछा एल 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 हैश कौन सा लेंस है। ये रे क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो कौन सा लेंस होगा, नंबर वन कॉनकेव हो। कौन सा लेंस होगा, डाइवर्जिंग रे है तो कॉनकेव हो। डाइवर्जिंग का मतलब ये अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रही है, अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे जा रही है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस होगा, ये कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अब आप इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, तो कहां मीट कर रही है, ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ आपका एफ टू और ये पॉइंट सर्टेनली एफ वन हो गया। इमेज अगर फॉर्म करनी तो कैसे बनाएंगे, पूछा गया व्हाट इज ओ, ओ ओ इज एफ टू एंड ओ हैश इज एफ वन। इमेज कैसे बनेगी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, दूसरी रे आप ऐसे पास करेगा, ये दोनों डाइवर्जिंग रे हैं, डाइवर्जिंग रे हैं तो प्रोड्यूस बैकवर्ड विल मीट एट दिस पॉइंट, इमेज आपकी ये रे डायग्राम आपने बना। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इमेज इज स्मॉलर, वर्टिकल एंड वर्चुअल। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये रे इससे एक्चुअली नहीं मीट कर रही है, ये अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। अगर दोनों रे एक जगह क्रॉस करती तब एक्चुअल रियल इमेज बनती। तो ये हो गया कॉनकेव, जिस केस में कॉनकेव में हमेशा याद कर लीजिए वर्टिकल होगी और डिमिनिश्ड होगी, वर्टिकल डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज होगी, वर्टिकल होगी डिमिनिश्ड होगी और कॉनकेव। इस केस में ये एक रे जा रही है और ये पैरेलल जा रही है, ओके पैरेलल रे थी यहां से, तो ये तो क्या है टुवर्ड्स द बेस जा रही है, टुवर्ड्स द ये प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, तो ये कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स या कन्वर्ज। पैरेलल जो रे जाती है कहां से जाती है, एफ टू से जाती है, इस केस में एफ टू से अपीयर करती आती, इसमें एफ टू से। और दूसरा डायग्राम रे डायग्राम, तो ये क्या होगा, ओ अगर एफ टू है तो ये क्या हो गया एफ वन। अब आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन एफ वन एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब याद कीजिए क्या होता था, वर्चुअल बनती थी, एनलार्ज बनती थी। चलिए ट्राई करते हैं, दूसरा रे हमने यहां से भेजी, ओ ये तो डाइवर्ज कर रहे हैं तो इनको प्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स और ये, तो हमारा क्या हुआ, कॉन्वेक्स लेंस है, ओ जो है एफ टू है, ओ हैश एफ वन है और ये हमारा रे डायग्राम है, इसमें डाइवर्ज कर रही रेज दोनों, तो दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये हमारा वर्चुअल इमेज बनेगी, रेक्ट बनेगी एंड लार्ज बनेगी। वर्चुअल इमेज एंड लार्ज जब भी बनेगी तो हमारा क्या होगा, वो हमेशा हम कहेंगे ये वर्चुअल इमेज जब भी बन रही है, लार्ज बन रही है, तो हम कहेंगे कि साहब ये जो है हमारा कॉन्वेक्स इमेज। एक दो बोर्ड में अब और क्वेश्चन आने लगे हैं, वो क्या करते हैं आपको ऐसे दे देते हैं, बहुत ही खराब प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, थोड़ा सा स्पेशल सफाई से बना प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट दे दिया यहां पे, इमेज बना दिया। अब कहा कि आप लेंस बनाइए और फोकल लेंथ बताइए, तो ये दो बातें। सबसे पहले हम क्या करते हैं इस केस में, लेंस ऑब्जेक्ट है, इमेज इन्वर्टेड है, तो लेंस कौन सा हुआ, सबसे पहले हमारा एग्जांपल आंसर आ गया कॉन्वेक्स लेंस। इन्वर्टेड है तो मतलब रियल इमेज है, रियल इमेज केवल कॉन्वेक्स लेंस में बनती, कॉन्केव में नहीं बनती। इसमें
लोकेशन ऑफ लेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं फिर से। टिप से टिप को जो जहां पे ये कटेगी उसको पे हम लेंस लगा, क्या कहते हैं लेंस लगा, क्योंकि ये ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं। अब फोकल लेंस के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहां से जॉइन करते हैं और इसको ऐसे पहले वे पासिंग टू द फोकस यहां पे, ये हमारा हो गया एफ। अंडरस्टूड। टिप से टिप को जॉइन की जहां ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, वहां पे वर्टिकल लाइन खींचिए और पैरेलल खींचिए वर्टिकल लाइन से, वहां से टिप को ज्वाइन करवा दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा आपका जहां काटेगी वो एफ टू होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और आ जाता है, आए हैं होते और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, इमेज कैसी है, छोटी है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्टिकल है, तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। हमारा आंसर हो गया कॉनकेव लेंस। कैसे करेंगे, वेरी गुड, टिप से टिप ज्वाइन कीजिए जहां कटेगी वो आपका ऑप्टिकल सेंटर द लेंस होगा। अब कॉनकेव लेंस मालूम है, पैरेलल खींची हमने और इसको इससे हमने ज्वाइन करवा दिया और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया तो ये हमारा एफ। पैरेलल जहां पे वर्टिकल आपके लेंस के एक्सिस को काटेगी उससे आप टिप को ज्वाइन करेंगे तो जहां पे भी अगर एक्चुअली इधर जा रही थी तो राइट हैंड साइड जाएगी तो आपका एफ टू इधर होगा कॉन्वेक्स लेंस में, इसमें एफ टू इधर, ये हो गया। ऐसे ही इसी पे एक क्वेश्चन दो साल पहले आया था, उसमें बच्चे बहुत गड़बड़ कर गए थे, वो ये था, उन्होंने कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है, इमेज क्या है, आई ऑब्जेक्ट, ये है इमेज वर्टिकल है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यस, तो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल होगी, एनलार्ज है तो क्या कॉनकेव लेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, जो कॉनकेव लेंस में हमेशा हमेशा डिमिनिश्ड होगी तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्वेक्स है, वर्चुअल है और एनलार्ज। याद कीजिए किस समय होती है, जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट एफ वन और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तभी एनलार्ज में। अगेन सेम थिंग, इन दोनों को ज्वाइन कीजिए और जहां पे ये कट करेगा वहां पे आपका लेंस होगा। अब पहले लाइन गलती से भी यहां से मत खींचेगा, ऑब्जेक्ट से खींचती है तो पहले लाइन आपने यहां से खींची राइट, और इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, इसके टिप को मिलाएंगे, इसके टिप को मिलाएंगे और ये एक्चुअली बैकवर्ड्स है तो ये डॉटेड रहेगी और इसको ऐसे कर दीजिए तो ये आपका हो गया। अंडरस्टूड। दोनों टिप को मिला के जहां वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगी वो आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, वहां पे आपका लेंस है, लेंस के लिए स्ट्रेट लाइन कीजिए और टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइन खींचिए और जहां पे वो आपका एक्सिस को काटती है जिस पॉइंट पे ये काट रही है उस पॉइंट से टिप को जोड़ लीजिए। अभी बैकवर्ड अगर जा रहा है तो ये आर्टिफिशियल वर्चुअल है और यहां से आप इसको स्कैन कीजिए जहां काटेगी। ओके बॉयज, सो यू अंडरस्टूड इट, प्रैक्टिस इट, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर सम न्यूमेरिकल्स एंड अ पीस ऑफ केक आई थिंक। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, और एक मेरा एक सक्सेस मंत्र आपको है, जब सुबह उठें तो आप कहें आई एम द बेस्ट, आई विल बी सक्सेसफुल and you shall succeed without any problem. Okay, all the best. Thank you.